आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आप लोग इस खुशफहमी में ना रहें कि मैं काव्य पाठ करने आया हूं, क्योंकि वफा साहब ने जब दो कवियों को सिर्फ पढ़ना था तो अनाउंस किया कि हमारे मंच के अध्यक्ष भूषण त्यागी हैं, और उस अध्यक्ष को जो बिना माला के अध्यक्ष बैठा हुआ है। तो अब जब उन्होंने मान ही लिया है कि मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ, तो मैं अध्यक्ष के मैं कविता पढ़ूंगा। मैं अध्यक्ष के बहैसियत अब मैं अध्यक्ष की ओर से आग्रह करता हूँ कि संचालक महोदय जो अब तक सबको पढ़ा रहे थे, वह स्वयं आए क्लास में और अपना इम्तिहान दें। जनाबे वफा साहब, वह स्वयं आए और काव्य पाठ करें, उसके बाद मैं आऊंगा, आप बैठे रहें। जी, आप जो कहें कहें तो सुनाऊं। जी, आज मैं इतना गदगद हूं कि हमारे सामने जो सोता है वाकई बड़े सच्चे हैं, पूरी ईमानदारी से दादो तहसीन दे रहे हैं और हर शायर को तालियों से नवाज रहे हैं। दो तीन किताब मैं पढ़ूंगा, नेताओं ने जो हिंदुस्तान में बढ़िया काम किया है, कम से कम उनको भी कुछ कहा जाए, और अब मौका अच्छा है कि वो नहीं है तो कहा जाए कि नौटंकियों के समझो ये भाड़ हो गए हैं, नेता हमारे देश के सब डांड़ हो गए हैं। नौटंकियों के समझो ये भाड़ हो गए हैं, नेता हमारे देश के सब डांड़ हो गए हैं। मनमानी जायदाद चरते हैं हर किसी की, ये आदमी कभी थे अब सांड़ हो गए हैं। दोस्तों, मैं नाज़िमे मुशायरा, मैं अपना हक दूसरों को देता हूं कि दूसरे अपना शेर सुनाएं और कुछ कहें, लेकिन एक पैरोडी में पढ़ूंगा कि सर सर हवाओं का झोंका जो आए, आकर कलेजे को मेरे हिलाए, शायद खुला घर का किवाड़ा लगे, सर कायलो खटिया जाड़ा लगे, सर कायलो खटिया। सर सर हवाओं का झोंका जो आए, आकर कलेजे को मेरे हिलाए, शायद खुला घर का किवाड़ा लगे, सर कायलो खटिया जाड़ा लगे, सर का। और अब ये देखिए, मैं चाहता हूं कि कलेजा निकाल के आप लोगों को दे दूं, और दे रहा हूं के एक शब्द हिंदी का है उगलदान, एक शब्द हिंदी का है उगलदान, जिसमें थूका जाता है, और एक शब्द है लुक्खा, जिसे आप जानते हैं, यहां कोई मौजूद नहीं है। लुक्खों में कई प्रजातियां होती हैं, कोई जात के लुक्खे यहां नहीं, सब शरीफ लोग हैं। और आप सुनिए, जानवरों ने जुगाली करना और पगुरी करना छोड़ दिया है। जुगाली जब खा पी लेता है जानवर, भैंस या बैल, तो वो पगुरी करते हैं, उससे खाना उनका हजम होता है। जब हमने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने पगुरी करना, जुगाली करना बंद क्यों कर दिया, तो उन्होंने कहा, वफा साहब, जब से इंसान जुगाली करने लगा है तब से हमने बंद कर दिया। तो हमने कहा कि आखिर इंसान जुगाली करता कैसे है। तो अब जुगाली को देखिए कि एक 5 रुपए के लिए मुंह में डाले, 1 लीटर बनाए, बस पे बैठे हैं, किसी के सर पे टपका दिए। क्या है रजनीगंधा, क्या है कमला पसंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं बता रहा था दोस्त, अब भूमिका बना रहा हूं उसकी, कि ऊपर से गिरा दिया, अबे तूने ये क्या किया, अरे सर गलती हो गई, रजनीगंधा खाए थे, 1 लीटर बनाए थे, आपके सर पे गिरा दिए। अच्छा, अब सुनिए, उस पे मैंने कविता कही है। शायर कवि समाज के नासूर का ऑपरेशन लोगों के सामने लाके करता है,
और कहता है कि भलाई को आम करो और बुराई को छोड़ो। अब देखिए, उगलदान जैसे थूकने से लबालब भरा रहता है, वैसे पुकार, गोवा, गुटखा खा करके आदमी मुंह इतना फुलाए रहता है। अब शेर सुनिए कि मुंह तो मिसले उगलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुस्सा यहां तेज। वाह। मुंह तो मिसले उगलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुस्सा यहाँ तेज। थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर वन, मैं हूँ लुक्खा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। आइए देखिए, अब क्वालिटी देखिए कि क्या होता है। के मुंह तो मिसले उगलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटका खाने में नहीं है कोई मुस्सा यहाँ तेज। थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर वन, मैं हूँ लुक्खा नंबर वन। कुछ दिन पहले एक यमहा गाड़ी चलती थी और यमहा गाड़ी की बांसुड़ी निकाल दी जाती थी। कुछ दिन पहले यमहा गाड़ी की बांसुड़ी निकाल कर उस पर भी लोग चलते थे और उसकी आवाज़ को सुनाते थे। एक क्वालिटी लुक्खों की ये भी थी कि मैं हूँ लुक्खा नंबर वन, मैं हूँ लुक्खा नंबर वन, मेरी लुक्खई का देखिए निराला भऊ काल, अपनी यामाहा की बांसुरी मैं देता हूँ निकाल, उड़ाता रोड पे हूँ गाड़ी देखो मैं तो सन सन, मैं हूँ लुक्खा नंबर वन। वाह 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 वाह, बहुत खूब मास्टर साहब, मैं हूँ लुक्खा। ये सब कविताएं मैं काम के दे रहा हूँ। सुनिए, आप 25 लीटर थूक देते हैं तो फेफड़ा खुश्क हो जाता है, जवानी खत्म हो जाती है, आप बुढ़ापे में आ जाते हैं। सुनिए, अब उसको बता रहा हूं कि उम्र 18 की है लेकिन लगता हूं 80। वाह। उम्र 18 के है लेकिन लगता हूं 80, ऐठन बरकरार मेरा है और जल गई रस्सी। उम्र 18 की है लेकिन लगता हूँ 80, ऐठन बरकरार मेरा है और जल गई रस्सी। मुझको बचपने में ही मिला बुढ़ापे का है धन, मैं हूँ लुक्खा नंबर वन, मैं हूँ लुक्खा नंबर वन।